At the 54th session of the UN Human Rights Council in Geneva, a female activist from Jammu Kashmir Valley held a mirror up to Pakistan and revealed its poisonous propaganda. Taslima Akhtar, a social political activist, remarked in her intervention that she would want to highlight the clear developmental gaps between Jammu and Kashmir Union Territory and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as a native of Jammu and Kashmir. Watch our report to get more insights. In a powerful address at the 54th session of the UN Human Rights Council in Geneva, Kashmiri activist Taslima Akhtar shed light on stark disparities between Jammu and Kashmir Union Territory and Pakistan-occupied Kashmir. मैं कश्मीर की उन मज़लूम कौम की आवाज़ को यहाँ पर बुलंद करने के लिए आई हूँ, उनकी जस्टिस मांगने आई हूँ, जिनके साथ आज तक पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म खेलता रहा। एक माँ को बेटा छीना है, एक बहन को भाई छीना है गोलियों का शिकार बना के, और एक बच्चे को माँ भी छीना है, किसी को बाप भी छीना है। तो उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं आई हूँ कि आज 30-40 साल पहले हमें 30-40 साल तक हमें इन्होंने सुकून की नींद सोने नहीं दिया। कभी क्या डेवलपमेंट हो जाती कश्मीर में उससे पहले? रोज़मर्रा हमें वहाँ पर ये वायलेशंस क्रिएट करते थे। अगर देखा जाए तो 2-3 साल से हम थोड़ी बहुत राहत लेते हैं, मगर पाकिस्तान के टेररिज्म फिर भी बाज नहीं आते हैं। उन्होंने वहाँ पर और एक बड़ा वाक्य अंजाम दिया है, हुमायूं भट्ट, हमारा आशीष, और भी एक ऑफिसर। तो ये पीछे हटते ही नहीं है। ये किस बुनियाद पर आते हैं हमारे कश्मीर में और कौन से परमिशन लेके आते हैं? चोरों की तरह घुसपैठ करते हैं। कोई भी कंट्री किसी को ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी कंट्री में कोई सामान लेके घुसपैठ करे और फिर वहाँ के इनोसेंट पब्लिक को मार दाड़ करे। हम यूएन में उसके लिए जस्टिस चाहते हैं, उस कौम की, उन मज़लूम औरतों की जिनके साथ एट्रासिटीज़ हुई है, जिनके साथ पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने जिनको अपना शिकार बनाया, उनके फैमिली को शिकार बनाया है, उनके साथ रेप किए गए हैं, उनके साथ बहुत हद से भी ज़्यादा जुल्म किया गया है। एक तो उनको बोलते थे हमें खाना खिलाओ, और दरवाज़ों को तोड़ फोड़ करके उनके अंदर घरों में घुसते थे और उन पर इतना दहशत फैलाते थे कि वो अपने आवाज़ को कभी आज तक बुलंद नहीं कर पाए, वो अपनी आप बीती किसी को सुना नहीं पाए कि किस ज़ुबान से हम सुनाए हमारे साथ हुआ क्या है। उनका वाक़या जब हम सुनते तो हमारा दिल फटता है। वो बच्चे आज देखो दद्दर की ठोकरियाँ खाते हैं, जिनको एक माँ बाप का साया होना चाहिए। उन यतीमों को, उनको उन पाकिस्तान के टेररिज्म ने उनसे पढ़ाई छीन ली है, उनको माँ बाप के प्यार का हक छीन लिया है। तो हम उन मज़लूम, उस मज़लूम कौम के लिए हम इंसाफ का यहाँ पर आवाज़ देने आए हैं, उनके लिए इंसाफ मांगने आए हैं। हमें उम्मीद है इस पर उन कार्रवाई हो जाए। अगर तमाम मुल्क टेररिज्म के अगेंस्ट हो जाए, मुझे लगता है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म पूरी दुनिया को ख़राब कर डालेगा। पूरी दुनिया में दहशत और खौफ है। वो तो कश्मीर के जानों के सौदागर है, कश्मीर के मौतों की सौदागर है। उन्होंने कश्मीर के इनोसेंट पब्लिक को मौत की नींद सुला दिया है, कब्रिस्तान पहुंचा दिया है। तो कौन सा हमारी हक की बात वो करते हैं? मैं तो ग्रास रूट लेवल से, मैं कश्मीर से हूँ। मैं उनकी तरह नहीं जो यहाँ पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बात करते हैं। कोई यूके में रहता है, कोई जर्मनी में रहता है, कोई इटली में रहता है, मुझे दिखाई वो ग्रास रूट लेवल से कश्मीर में रहते हैं कि वो कश्मीर की बात करें। मैं तो कश्मीर से आती हूँ, मुझे पता हमारे कश्मीर में कौन से हालात बेहतर है, कब है, क्या है। मुझे हर दिन, हर सेकंड का, हर मिनट का कश्मीर का हालात पता चलता है और मैं वहीं रहती हूँ। फिर यूनाइटेड में जाके वापस अपने कश्मीर चली जाती हूँ। उन्होंने हमारे साथ जितने भी एट्रासिटीज़ करी है, हद हो चुकी है। अब हम उनको एक्सपोज करते ही रहेंगे। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को हम बेनकाब करते रहेंगे। परसों ही 5 को पकड़ा गया है जो ये कश्मीर की यूथ को भी अभी मिसगाइड करते हैं, काउंसलिंग करते। कौन सा जहाद, वो कौन सा जहाद है जो इंसानियत को ख़त्म कर डालता है? पाकिस्तान के अपने हालात देखने नहीं चाहिए? अगर वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ शियाओं को वो क्यों नहीं रहने देते हैं? वहाँ पर वो अहमदीज़ को क्यों नहीं रहने देते? तो बाकी की बात ही नहीं, हमारी इंडिया को देखो, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, हम सारे मिलजुल के रहते, भाईचारा देखो हमारा कितना है। तो वो अपने आप को देखे ना, जब वो अपने लोगों को वहाँ पर रहने नहीं देते, क्या वो कश्मीरी कौम के खून के प्यासे नहीं है?
उनको कश्मीर की लैंड चाहिए, कश्मीर का कौम नहीं चाहिए, लेकिन उनको भूल है जो POJK है वो कश्मीर का हिस्सा है, वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। हम उनसे वो लेके ही रहेंगे, इंडियन कश्मीर लेके ही रहेगा उनसे अपना हिस्सा, वो हमारा हिस्सा उनके पास है, उनके डॉक्यूमेंट्री में नहीं है, उनके ज़मीन के नक्शे में, पाकिस्तान ज़मीन के नक्शे में नहीं है। वो देखिए POJK पर कितने एट्रोसिटीज़ वहाँ पर कर रहे हैं, कौन सी बिजली उनको देते हैं, आटा देते हैं, वो तो परेशान है। कौन सी फैसल्टीज़ की फैसल्टेट किया उन्होंने POJK को, हमें बताइए। खामखा बना दिया है उधर, उन्होंने बता रहे हैं कि उनको अपना सारा कुछ अपने पास है हुकूमत, कौन सी हुकूमत उधर, तो उन पर आर्मी राज करती है, पाकिस्तान आर्मी राज करती है उन पर, तो उन पर जुल्म नहीं हो रही उन बेचारों को। उसके बावजूद देखिए आप हमारी J&K की डेवलपमेंट, हर दिन हर प्रोजेक्ट चल रहा है और अच्छे अच्छे रोड्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटलिटी बढ़ रही है, और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने वहाँ पर हर घर में हर पर्सन को 5-5 लाख का वो गोल्डन कार्ड बनवाया है, फ्री में उसको इलाज मिल रहा हॉस्पिटलों में, और हमारा सब हम बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम POJK मसले में भी दखल अंदाजी अब करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे कौम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हम नहीं सह सकते उनके जुल्म। तस्लीमा अख्तर's impassioned plea for justice has exposed Pakistan's negligence and propaganda in POK, highlighting the urgent need for accountability and protection of human rights.